नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेटेस्ट गवर्नमेंट निकला है, जो निकला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर, यानी दोस्तों एम्स के अंदर एक भर्ती आ रखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्स के अंदर जो भर्ती आ रखी बहुत, तीन पोस्टों के लिए मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर ये चीज है, और इसकी जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं कि जो एम्स जोधपुर के अंदर एजुकेशन है, ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट जो रिक्वायरमेंट है, द पोस्ट ऑफ एलडीसी अपर डिवीजन लो और डाटा एंटर ऑपरेटर, यानी आपकी तीन टोटल भर्तियां हैं। और ये दोस्तों बहुत बासनी के अंदर ये जो स्थाई है वहां पर है। इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार ऑनलाइन रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, क्या क्या करना होगा। दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ कि ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, और इसमें जो इंटरव्यू ऑनलाइन अप्लीकेशन आपको भरना होगा, और उसके बाद में आपका जो क्या कमेंट है उनकी जो बासनी के अंदर पूरा का पूरा, और भी आपको दे रखा है कि फॉलो बाय एड्रेस के बारे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो अपर यानी यूडीपी यूडीसी की जो भर्ती आ रही है, यूडीसी के अंदर बहुत अच्छी जो पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे यूडीसी के बारे में सबसे पहले। तो यूडीसी के अंदर दोस्तों आपको क्या चाहिए, तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो आपको देख सकते 25,000 से लेकर 81,000 तक है। और यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं कि आपको स्किलिंग टेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर जो आपकी स्पीड है वो आपसे देनी होनी चाहिए 30 से 25 के बीच में। वहीं दोस्तों बात करते हैं डाटा ऑपरेटर इनकी, इसमें जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों 12वीं पास है। कितनी पास है? 12वीं पास है, तो यहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो होगी वो आपको 8,000 वर्ल्ड पे करना होगा, और यहाँ पर आपको तनख्वाह 25,000 के आसपास मिलेगी, 25,000 से लेकर 81,000 तक। और दोस्तों यहाँ पर जो बात करते हैं दोस्तों एलडीसी की पोस्ट है, यहाँ पर जो 19,000 से लेकर 63,000 तक 12वीं पास है, तो यहाँ से क्वालिफाई आपको बढ़ना होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप 12वीं पास है। तो यहाँ दोस्तों बात करते हैं यही कि दोस्तों यहाँ स्केलिंग होगा, उसके मतलब आपका टेस्ट होगा, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग की दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर और भी हम सजेशन लेते हैं, तो इसकी जो नोट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो रिलेटिव भर्ती है उनसे ये भर्ती आई गई है, तो बहुत ही अच्छी भर्ती है आपके लिए। तो और भी आप देख सकते हैं इसका जो ऑनलाइन पैटर्न वो कैसे रहेगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, मैं आपको लिंक दे दूंगा वहां से, तो वहां से आप करेंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ देख सकते 27 जनवरी, कौन सी है, 27 जनवरी से पहले आपको इसको फॉर्म भरना है। दोस्तों मैं पूरी जानकारी आपको नीचे लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए कि ऑनलाइन 30 दिन के अंदर, यानी आपको 27 तारीख का अंतिम डेट है। तो आपने फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से फॉर्म जाके भर दीजिए, और अपने घर बैठे। अब दोस्तों यहाँ जो शुल्क की बात करते हैं, आपको जो शुल्क लिया जाएगा दोस्तों 200 रुपये जो है SC ST और महिलाओं के लिए, और वहीं जनरल और OBC के लिए 1,000 का शुल्क है। तो आप सभी को पता है एम्स में हमेशा शुल्क क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है। अब एज की बात करें दोस्तों, एज के अंदर आप सभी को पता है जो एज के अंदर 18 से लेकर 26 के बीच में, उसके बाद में दोस्तों जो आप देख सकते हैं इसके SC ST OBC और जो सर्विसमैन है उनको जो ऑफर दिया जाता है, छूट भी दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर और भी जो की न्यूज है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। उसके बाद में एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको पूरी विज्ञप्ति बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम का जो क्लियर है मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम के लिए आपको देख सकते हैं इसमें दे रखा है कि अपर लेवल है यूडीसी और एलडीसी और डाटा एंटर ऑपरेटर, तीनों के लिए एक ही एग्जाम होगा। तो यहाँ पर 1 घंटा दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप PWD हैं कैंडिडेट तो आपको 10 मिनट ऊपर दे सकते हैं। अब आपका पेपर होगा 3 घंटों का, कितने घंटों का, 3 घंटों, उसके अंदर इंग्लिश यानी जनरल नॉलेज, उसके बाद में इंग्लिश और मैथ्स, यानी आपके अंदर सब्जेक्ट पूरे पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ दोस्तों माइनस मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर भी क्या है, माइनस मार्किंग है, बिल्कुल माइनस मार्किंग है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो पार्ट्स दिए जाएंगे उनको क्वालिफाई नहीं करना होगा, आपको सिर्फ आपको पास करना और मेरिट के अंदर आपको नंबर लाना होगा। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो सिलेबस के अंदर जनरल नॉलेज के अंदर आप देख लीजिए, जनरल इंटेलिजेंट के अंदर जो जो जीके वगैरह है पूरा का पूरा है, क्या है एंटोनियम सेनोनियम वगैरह सब कुछ है, और जीके के अंदर भी बहुत सारे कल्चर इंडिया कल्चर वगैरह है। और इसके बाद मैथ्स के अंदर भी प्रॉफिट लॉस है, ये पूरी की पूरी मैथ्स आपकी लगभग पूरी मैथ्स है। वही दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते तो आपको इसके बारे में डिटेल में जान, एंटोनियम सेनोनियम वर्ड वर्ड, उसके बाद में आपको वन वर्ड है, और उसके बाद में टेंस वगैरह उनकी जानकारी। अब वही बात करते हैं स्केलिंग के लिए, दोस्तों स्केलिंग के लिए आपको देना होगा 10 जो टाइम है 10 मिनट का दिया जाएगा, उसके अंदर जो वर्ड टाइप करने होंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप देखिए कि ओरिजिनल ऑनलाइन की गई आपने फॉर्म भरा है उसका, और एडमिट कार्ड है जो रिटर्न एग्जाम के लिए,
उसके बाद दोस्तों आपने जो क्वालिफाई किया है उसकी जो 10वीं पास है, 10वीं पास के अंदर आपको क्या होना चाहिए, पास होनी चाहिए 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद में आपने कोई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है वहाँ पर, उसके बाद में आपने कोई अलग डिप्लोमा किया है उसकी मार्कशीट हो, कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST या हो, उसके बाद में अगर आप जो PWD के अंदर आते हैं PWD उसका वो सर्टिफिकेट हो, और वहाँ अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हो तो उनका पैन कार्ड, ID प्रूफ, लाइसेंस, उसके बाद में एड्रेस का आई, और ये डॉक्यूमेंट आपको सभी को चाहिए, 12-13 डॉक्यूमेंट ये आपको चाहिए। वहीं दोस्तों बात आगे की और देखते हैं, अगर और कोई न्यूज है तो मैं आपको बता देता हूँ एम्स से संबंधित, तो यहाँ से जो बहुत बड़ी भर्ती आ रखी है यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए दोस्तों, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में यही आपको क्या ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल एम्स के अंदर है, तो यहाँ से जो बिटवीन है आप यहाँ से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, 10 से लेकर 5 बजे के बीच में हेल्पलाइन नंबर है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और इसकी PDF फाइल में आपको नीचे लिंक मिलेगा, वहां से आप देख जो PDF लिंक मिलेगा वहां मैं आपको बता दूंगा क्या क्या रहेगा और क्या क्या नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो स्किल टेस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपकी देखिए 18 से 30 एज है, उसके बाद में रिटर्न टेस्ट है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 18 से 27 है रिटर्न टेस्ट वगैरह रहेगा, और 21 से 30 यानी आपकी उम्र 30 तक है, तो आप फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और रिटर्न और स्किलिंग दोनों होगा। तो चलिए दोस्तों लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब में फिर मिलते हैं दोस्तों, राजस्थान का नंबर 1 जो आपको सच्ची और सही जानकारी ऑथेंटिक देने वाला एकमात्र सरकारी ज्ञान। तो चलिए दोस्तों नए वीडियो में फिर मिलते हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन है पास में वो भी सबमिट कर ले, तो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों नए वीडियो फिर मिलते हैं, जय हिंद, धन्यवाद।